Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसे चल रही है बच्चों जिंदगी? What's up people? कैसे हो मेरे शेर? I'm extremely sorry कि भाई मैं नहीं आ पाया live. I know, I understand, but I hope you guys also know it is Sunday and all those stuff. So I'll not coming live for this session. But do not worry यार, जैसा मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ और जैसे आप लोग हमेशा सपोर्ट करते आ रहे हो कि भाई साहब मेरा लाइव आना इम्पोर्टेंट थोड़ा सा कम है. मेरे यहाँ से जो नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन है वहां तक पहुँचना ज्यादा जरूरी है. और संडे हो या जो हमारा पोंगल चल रहा हो, मकर संक्रांति चल रही है, लोरी चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही है, इन सब की वजह से हमारा सेशन नहीं रुकना चाहिए, इसलिए वीडियो अभी आपके सामने आ रही है. अब वीडियो में आज होने क्या वाला है? बिफोर दैट, हाय गाइस, सब बढ़िया, एकदम मस्का चस्का, एकदम बढ़िया से लग रहा है. आई होप कि आज थोड़ी आपकी वीडियो क्लैरिटी थोड़ी और बेटर होगी. थोड़ा सा मैंने वेरिएशन किया, चेंज किया है और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सुबह के वक्त रिकॉर्ड करूँ ताकि आप लोगों को बराबर से यू नो वीडियो दिखे और ऑडियो भी बराबर आ जाए. ऑडियो भी सब मैंने सेट कर दिया है, ठीक है. बट आई एम रियली सॉरी कि मैं स्मार्ट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ. बट अगेन एज आई सेड, इन्फॉर्मेशन यहाँ से आने जानी चाहिए, मीडियम कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. स्मार्ट बोर्ड में थोड़ा और मजा आता है, बट इट विल बी स्टार्टिंग रियली सून. आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड. क्वारंटाइन जो वगैरह चल रहा था वो थोड़ा सा कंटिन्यू हो रहा है, दैट इज द ओनली थिंग. आई होप फॉर योर पेशेंस, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. आज हम क्या करने वाले हैं? भाई साहब ने पिछले सेशन में किया था ओम्स लॉ, ठीक है. और ओम्स लॉ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बाहर निकल के आई थी जिसका नाम स्टार्ट होता था आर से, जो है कि आपका रेजिस्टेंस. तो आज हम उसके बारे में समझने वाले हैं. आज हम समझने के वाले हैं कि भाई रेजिस्टेंस होता क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस, और ये सारी चीज हमें पढ़ना क्यों है. सिंपल सा लॉजिक है कि भाई आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से बहुत सारे मार्क्स के सवाल आते हैं. दैट इज वन थिंग इन जनरल. अगर आप पूछो डायरेक्टली सर कितने मार्क्स सवाल आते हैं, तो रेजिस्टेंस का जो वर्ड प्रॉब्लम होता है, जो आज का टॉपिक है और जिसका फॉर्मुला निकलेगा रेजिस्टेंस का, जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसमें कम से कम 2 से 3 मार्क्स के आते हैं. नाउ अपेरेंटली आप समझ लो कि भाई आपके सिर्फ 2 चैप्टर आने वाले फिजिक्स में, तो ये 2 से 3 मार्क्स डबल हो जाएंगे. 6 मार्क्स के आसपास आप सवाल, 5 से 6 मार्क्स के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से. तो डेफिनेटली फोकस. और जिसको ये रेजिस्टेंस वाला टॉपिक समझ में आ गया वो अच्छा करेगा ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल में भी, है ना. सो जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल बिकॉज अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस कमिंग टुडे. और आज पूरे सेशन में होगा क्या? ऑफ कोर्स ये बात है, हम शुरुआत करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल कोट के साथ, थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए, और उसके बाद फिर हम जाएंगे हमारे होमवर्क रॉकर्स को अप्रिशिएट करने के लिए जिन्होंने पिछले सेशन का होमवर्क का सही जवाब दिया था. देन विल गेट इनटू द फ्लैशबैक क्विज. हां ऑफ कोर्स ये बात है कि भाई मेंटेन नहीं होगी आज क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, बट आपको इतना स्पैम करना है चैट में कि यूट्यूब भी बोले भाई कहाँ से इतना लोड आ रहा है, समझ रहे हो. तो 3 सवाल होंगे आपके फ्लैशबैक में. उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस इन द मोस्ट फन वे पॉसिबल. और आज हाँ, जो भी हमारे फैन क्लब पेजेस हैं, आज आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, बहुत रेडी. और उसके बाद विल गेट इनटू वन मोर क्विज एट द एंड ऑफ दिस सेशन जो होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के ऊपर. वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे. तो भाई दोनों मेंटी में जो भी क्वेश्चंस हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं बार-बार, बट इट इज गोइंग टू द बोर्ड क्वेश्चंस व्हिच हैज कम बिफोर, व्हिच माइट एंड अप कमिंग दिस टर्म टू. तो पूरी फोकस करो, ठीक है. तो इसी जोश के साथ बच्चों शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. चलो अब आगे बढ़ते हैं. और ये रहा आपके सामने सेशन का लिंक. हां ठीक है, दिख रहा है सबको? सेशन दिख रहा है ना भाई? सही है ना? ठीक है, बटन तो सही दबा रहा हूं, पता नहीं देखना पड़ता है. ओके, ऑलराइट पीपल, तो एज आई सेड वी हैव कंप्लीटेड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट पोटेंशियल डिफरेंस. ओम्स लॉ अगर नहीं देखा इन वीडियोस में, अगर देखना भाई. इतना सपोर्ट आपका मिला है, बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. अब आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. लेट्स गो अहेड विद द कोट नाउ. हियर वी गो. दिस कोट इज रियली मोटिवेटिंग फॉर मी अ लॉट. कोट सेज, एज यू कैन सी, never allow the same flame to burn you twice. वो कहते हैं ना यार, पहली बार गलती करो तो उसको गलती मानते हैं, दूसरी बार गलती करो चलो बेवकूफी मानते हैं, लेकिन तीसरी बार वही सेम गलती करो तो फिर आप समझ नहीं आता ना बात. तो वैसे ही यहाँ पे अगर समझो, नेवर अलाउ द सेम फ्लेम टू बर्न यू ट्वाइस. माय ओनली पॉइंट इज जो टर्म 1 में गलतियां हुई थी उन्हें कम से कम टर्म 2 में नहीं दोहराना है. और ये टर्म, सबसे बेस्ट बात क्या पता है कि जो टर्म 1 में गलतियां हुई थी ये आपको पता है, यू क्लियरली नो कि मैंने ये गलतियां की थी. एंड इफ इन केस आप उन्हीं को दोहराओगे तो आपको पता है कि आप क्या कहलाओगे. इस कोड को आप याद रखना बच्चों, क्योंकि इस कोड का इस्तेमाल मैं सेशन के एंड में भी जरूर करूंगा. एंड आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू गाइस टू cheer yourself up today. ठीक है, so let's get it started people, let's get it started now. So this was the homework, a very simple question कि भाई a car headlight bulb working on a 12-volt car battery draws a current of 0.5 ampere. The resistance of the light bulb is कितना? भाई इतना लड्डू सवाल था यार, मेरा दया आ गई मेरे को देख के से. तो क्या फॉर्मूला क्या था ओम्स लॉ का? सब स्पैम करो जल्दी से भाई. 24 ओम्स आ रहे हैं सबको. V is equal to IR का फॉर्मूला होता है, वी ऑल नो, आपको R निकालना है इसमें से. तो आपको R निकालना है तो V अपॉन I लिखना पड़ेगा और V की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट और आपके पास करंट है 0.5 एम्पियर। तो ऑफकोर्स ये बात है कि भाई 0.5 होता है 1/2 2 ऊपर चल जाएगा 12 × 2 24 ओम्स आपको जवाब मिल जाएगा। ये हुई ना बात, सबने स्पैम कर दिया। तो सबसे पहले पिछले सेशन में स्पैम करने वाले इंसान कौन कौन थे दिखा देता है। ये रहा हमारे होमवर्क रॉकर्स भाई साहब, दीज आर होमवर्क रॉकर्स। सिमरन सिंह जी कांग्रेचुलेशंस, मचा दिया एकदम आपने तो भाई। और देखो यहाँ पे सिमरन सिंह जी सबसे पहले तो अमितोज सिंह जी का जवाब है। सबसे पहले अमितोज सिंह का सवाल जवाब आया था, बढ़िया। और मनीष सिंघल जी हमारे सेकंड पोजीशन पे, सिमरन सिंह जी हमारे थर्ड पोजीशन पे, और उसके बाद आते हैं हमारे शिवम कुमार जी ऑन दी फोर्थ पोजीशन, सरिता जी ऑन दी फिफ्थ पोजीशन एंड स्वप्नेश जी ऑन दी सिक्स्थ पोजीशन। भाई सारे होमवर्क रॉकर्स के लिए तालियां हो जाए एकदम, तालियां 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 तालियां। बचाएगा भाई साहब, इतना स्पैम होता है ना। Too good, too good, too good. Really, really happy. ठीक है? So 24 ohms is the correct answer. Congratulations to everyone who got it right perfectly. Give me a high five. Give me a high five. Thank you. Thank you so much. Let's get it started now. ठीक है? So अभी सबका ध्यान हमारे स्क्रीन के ऊपर होगा। Everyone will focus on the screen right now. कोई भी यहाँ पर नहीं देखेगा भाई साहब, ठीक? कोई भी यहाँ पे वहाँ नहीं देखेगा। सब लोग पूरा पूरा फोकस यहाँ पे। एक और बार चेक करता हूँ, स्क्रीन बराबर दिख रही है? ठीक है, चलो। Let's see the case of this electrical circuit. हमें पहले समझना है कि हमें टॉपिक पढ़ना क्यों है सर, रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़े क्यों, फैक्टर सेवेंटी रेजिस्टेंस उसके ऊपर पढ़ना क्यों है, समझते हैं यार, मजे करते हुए समझते हैं। So let's see this case of this electrical circuit. आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि भाई साहब आपके सामने एक सर्किट है और इस सर्किट में बैटरी से करंट बह रही है, बल्ब तक जा रही है, बल्ब से वापस आ रही है, रेजिस्टर के थ्रू क्रॉस हो रही है, वापस बेस में जा रही है, करेक्ट। नाउ मेरा सवाल आपसे ये है, क्या सिंपल सा सवाल है मेरा, ये जो 9 वोल्ट की बैटरी है, मान लो ये कांस्टेंट है, ये 9 वोल्ट में बदल नहीं रहा, वो वैसे के वैसे रहेगा। नाउ क्या मैं वोल्टेज को कांस्टेंट रख के करंट को बदल सकता हूं? अगर हम ओम्स के टर्म्स में देखें तो शायद नहीं, बिकॉज V इज प्रोपोर्शनल टू I, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड। तो भाई वोल्टेज के बिना बदले आप करंट को बदलना चाहते हो तो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, बट देन ऑफ कोर्स देयर इज वन वे। व्हाट इज दैट वे? वी आल्सो नो फ्रॉम ओम्स लॉ दैट V इज इक्वल टू IR, है ना। तो यानी कि R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो यानी कि करंट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। यानी कि आप सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट कम होगा, सर्किट का रेजिस्टेंस कम करोगे तो करंट बढ़ेगा, है ना। तो इसी वजह से हमें समझना जरूरी है कि भाई ये रेजिस्टेंस है क्या एग्जैक्टली, ताकि मैं रेजिस्टेंस को ऊपर नीचे करके भाई सर्किट में करंट बदल सकूं। अब आप सोचोगे सर सर्किट में करंट बदलने की जरूरत ही क्या है, क्या जरूरत है सर, क्या जरूरत है सर, क्या जरूरत है सर। ये हर सर वाले क्वेश्चन मत पूछा करो मुझसे यार, चौधरी हूं। आई एम जस्ट किडिंग, प्लीज गो अहेड एंड स्पैम ऑन द चैट राइट अवे कि हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होती है, जो जहाँ पे पावर प्लांट होता है, वहां से कितने वोल्टेज पे हमारे घर तक करंट आती है भाई, वहां से भाई हमारे घर पे कितना वोल्टेज का करंट होता है। I'm pretty sure everyone knows, India में 220 वोल्ट है, USA में 110 वोल्ट है, पता है सबको, स्पैम करते सबने 220 वोल्ट exactly. 220 वोल्ट is a constant voltage, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो यानी कि करंट हमारे घर पे कांस्टेंट आ रही है, 220 वोल्ट का करंट हमारे घर पे, 220 वोल्टेज वाला करंट हमारे घर पे आ रहा है, ठीक है। अब मेरा सवाल जल्दी से बताना, क्या आपका जो लैपटॉप है और आपका जो मोबाइल फोन है, जो आपका हेडफोन्स है, जो आपकी ईयरफोन्स है, जो आपका वॉशिंग मशीन है, जो आपका टीवी है, जो आपका एसी है, जो आपका फैन है, ये सारी चीजें क्या एक ही करंट लेते हैं? मान लो फोन आपका 5 एम्पीयर लेता है तो आपका फ्रिज भी 5 एम्पीयर लेता है, फैन भी 5 एम्पीयर लेता है, सब कुछ अपने अपने भाई सर्किट, सबका जो अपना अपना सर्किट है, सब लोग अपने अपने डिवाइसेस सब सेम करंट लेते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, कॉमन सेंस। तो जब करंट सेम नहीं है इन डिवाइसेस में लेकिन वोल्टेज सेम है, तो कौन सा तरीका हुआ हमारे पास जिसके थ्रू हम चेंज करें करंट को? भाई मोबाइल फोन में करंट कम चाहिए, रेजिस्टेंस बढ़ाओ उसका, भाई फ्रिज में करंट ज्यादा चाहिए, रेजिस्टेंस कम करो उसका। बात क्लियर हुई? नाउ दिस इज व्हाई वी नीड रेजिस्टेंस इन लाइफ, दिस इज व्हाई वी स्टडी। आई होप यू गाइस क्लियर कट गॉट द आइडिया, है ना, मजा आ गया। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी इन डिटेल, हमें क्या करते हैं, हम ना सर्किट के अंदर जाते हैं, उस रेजिस्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस रेजिस्टर के अंदर थोड़ा घुस के देखते हैं कि भाई ये है क्या, रेजिस्टेंस है क्या, देखते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आस्क ऑल ऑफ यू गाइस, सिंस वी आर इन डिटेल राइट नाउ, डिटेल में हम चीजें समझ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से, यहाँ पे इसको फोकस से देखो, ध्यान से पूरा, ठीक है। ये हमारे कंडक्टर के अंदर है, मान लो हमने यहाँ पे लिया हुआ है कॉपर वायर, क्या लिया हुआ हमने, हम यहाँ पे हमने लिया हुआ है कॉपर, भाई साहब कॉपर वायर हमने लिया। अब ये कॉपर वायर के अंदर सिर्फ कॉपर होता है क्या? गोल्ड के अंदर सिर्फ गोल्ड होता है, सिल्वर के अंदर सिर्फ सिल्वर होता है, टिन के अंदर सिर्फ टिन होता है, आयन रॉड के अंदर सिर्फ आयन होता है। नहीं ना भाई, आप 10th ग्रेड में केमिस्ट्री पढ़ी हुई है आपने, आपको बहुत क्लियरली पता है कि प्योर मेटल का इस्तेमाल सब जगह नहीं होता है, करेक्ट। और यहाँ पे भी नहीं होता है। कॉपर वायर में सिर्फ कॉपर थोड़ी होगी, और वैसे हर एक कंडक्टर में कॉपर वायर मतलब हर एक कंडक्टर में पूरा मटेरियल प्योर नहीं होता है। कॉपर वायर में भी हो सकता है कि भाई 90% कॉपर होगा, लेकिन जो बाकी 5% है कुछ इंप्योरिटीज होंगी, है ना। इंप्योरिटीज मतलब लोहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समथिंग ब्रॉन्ज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट। सो अलॉन्ग विद द जनरल एटम्स, मैं क्या करूंगा यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। अलॉन्ग विद द जनरल एटम्स ऑफ कॉपर प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर देयर आर व्हाट, there are also some sort of impurities, ठीक है। foreign materials जो आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, foreign materials, foreign metals, impurities वो भी होते हैं। मतलब एक कंडक्टर के अंदर एटम्स तो होता है, ये जो हिलता नहीं है अपने पोजीशन पर बैठा है, एटम्स मूव नहीं होता, आपको पता है ना, सॉलिड स्ट्रक्चर है, जाम पैक्ड होता है, दे कैन नॉट मूव, सो दे कैन ओनली वाइब्रेट, है ना केमिस्ट्री। एंड देन यू हैव ऑल दिस सॉर्ट ऑफ फॉरेन मटेरियल्स व्हिच कैन आल्सो मे बी मूव, मे बी नॉट मूव, व्हाटएवर इट इज। अब कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो आपको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। And what is electricity? Flow of this electrons. अब मेरा एक सवाल है, मान लो हमारे जो हर्षु जी हैं वो क्या है भाई, हमारे हर्षु जी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, हर्षु इज एन इलेक्ट्रॉन हियर, ठीक है। बहुत सारे हर्षु, अरे बाप रे, हर्षु पूरा हर्षु। देखो अब जब हम इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सारे एक तरफ से दूसरी तरफ बहने लग जाएंगे, है ना। सब लोग यहाँ से बहने लगे, हर्षु भी ऐसे ये करके बहने लग जाएंगे। बट मेरा सवाल आपसे सिंपल है, रियल लाइफ में हर्षु के पास आंखें हैं, है ना, रियल लाइफ में हर्षु के पास आंखें हैं, बट क्या इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक हर्ष के पास आंख है? जल्दी बताओ। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास आंखें हैं भाई? नहीं ना, अंधे ना हो, उनको थोड़ी ना पता सामने क्या आ रहा है। क्या मतलब सामने से एटम आया उसे डॉज करके निकल गया हो, है ऐसे यहां से ऐसे निकल गया हो? नहीं ना, इलेक्ट्रॉन्स अंधे होते हैं, आंख नहीं होती इनके पास, समझ में आई बात। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अंधे होते हैं, उनके पास आंख नहीं होती, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाने लगते हैं तो क्या करते हैं, वो आपस में टकराते हैं, वो एटम्स के साथ टकराते हैं, वो उन फॉरेन मटेरियल्स के साथ टकराते हैं। मतलब क्या, मतलब पूरा का पूरा ढोला रे हो जाता है वहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो दिस इज वाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम्स कुछ होते नहीं ना तो इलेक्ट्रॉन्स सीधा ट्रैवल करते हैं, सीधा। बट क्योंकि अभी इतना ज्यादा कोलिजन्स हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलिजन्स हो रहा है। आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक मे बी 1 मिलीसेकंड में पहुंच जाता, लेकिन क्योंकि इतने कोलिजन्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है, गया टकरा। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर अप करने के लिए, समझ लो 15 सेंटीमीटर तो आपके स्केल का डिफरेंस, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपके इलेक्ट्रॉन को लग जाते हैं 2 मिनट, यानी कि 120 सेकंड लग जाते हैं। तो अब जब आपने इन कोलिशंस की वजह से क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड कम हो गया, यानी कि फ्लो ऑफ चार्जेस का स्पीड कम हो गया, इसका मतलब आपके करंट कम हो गई, समझ रहे हो आप। These collisions are the things which are resisting the flow of electrons, है ना। ये collisions ही है ना जो भाई इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यही collision को हम साइंटिफिकली फिजिक्स में रेजिस्टेंस कहते हैं, समझ रहे हो। सिंपल, collisions equal to resistance। लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान से लिख दो भाई, क्या है आपका resistance, collision। अब आगे से आपके पूछे भाई क्या रेजिस्टेंस का पर्यायवाची शब्द बताओ तो क्या बोलोगे आप, ये बोलोगे कोलिजन बोलोगे, क्या बोलोगे, कोलिजन। समझ में आ गई बात। सिनोनिम ऑफ पर्यायवाची, सिनोनिम होता है, आई डोंट नो यार, गलत हो सकता है। सिनोनिम ऑफ रेजिस्टेंस इज कोलिजन सर, कोलिजन क्या, कोलिजन, वाह, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो भाई इनडायरेक्टली बोल रहा हूं कि मैं सर्किट में कोलिजंस बढ़ाओ, तब इलेक्ट्रॉन्स को और वक्त लगेगा जाने में, हर्षु को और वक्त लगेगा, ये मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। सिंपल बात, क्लियर, डन डन डन, ओके। नाउ इसी के बेसिस में मुझसे बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं कि भाई साहब सर अगर इलेक्ट्रॉन्स इतने स्लो है तो स्विच डालते साथ बल्ब कैसे ऑन हो जाती है सर। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी यूट्यूब शॉर्ट ले लिया है, जाओ देखो हमारे चैनल पे होगा कि वाई इज इलेक्ट्रिसिटी सो फास्ट, अभिषेक सर मैंने बना दिया है, देख लो जाके, क्लियरली बता दिया मैंने, ठीक है। ओके, ऑलराइट पीपल, सो नाउ आई होप ऑल ऑफ यू गाइस हैव गॉट अ क्लियर आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस। सो दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस इज। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ द होल पॉइंट इज की, ठीक है सर, अब रेजिस्टेंस क्या समझ में आ गया। अब हम इन कोलिजन्स को या तो रेजिस्टेंस को बढ़ाए कैसे ताकि करंट कम हो जाए, या इन रेजिस्टेंस इस कोलिजन्स को कम कैसे करें ताकि करंट बढ़ जाए। कैसे होता है ये सर्किट में सर, बताइए ना। जानने के लिए तैयार हो आप तो जोरदार बोलो बल्ले बल्ले, क्योंकि इस टॉपिक के बाद सीधा जंप मारेंगे हमारे मेंटी पे, और कुछ है ही नहीं भाई आज, ठीक है। सिमुलेशन करेंगे आज, और हम संस्कृत में सिमुलेशन क्या कहते हैं, सिमुलेटवा। तो विल डू सिमुलेटवा आफ्टर दिस, ठीक है, ओके, डोंट वरी। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स। फैन क्लब वालों रेडी हो जाओ, कंटेंट आ रहा है। हाँ, कुछ सुना आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। लेट्स गो टू द फर्स्ट फैक्टर। डोला रे डोला रे डोला रे डोला मंडोला। So here you have your favorite Harshu, and here you have, I don't know, might be your favorite, I'm not so sure, me, your ek hai Janu sir, है ना, basically the first factor, very simple factor, very very simple factor। मान लो हर्षु और मैं एक रनिंग रेस में, किसमें, मैं हर्षु और मैं एक रनिंग रेस में, हम दोनों के पास ट्रैक जो है सेम विड्थ का, ये जो विड्थ है हम दोनों का, वो ट्रैक का विड्थ जरूर सेम है, लेकिन हर्षु का लेंथ थोड़ा ज्यादा लंबा है। हर्षु का जो ट्रैक का जो लेंथ थोड़ा ज्यादा लंबा है, मेरा उस ट्रैक का आधा ही है। मतलब अगर ये लेंथ L है तो ये मेरा जो ट्रैक का लेंथ है उसे L/2 ही है, इतना ही है भाई मेरा ट्रैक का डिस्टेंस। अब मान लो इस यू नो क्या कहते हैं, मतलब इस पूरे ट्रैक में, ट्रैक खाली नहीं है, इसमें पूरी भीड़ है भाई। मतलब और भी बहुत सारे रेसर्स हैं, मान लो अमृतसर भी दौड़ रहे हैं, अंकना मैम भी दौड़ रही हैं, अमित सर भी दौड़ रहे हैं, अनुभा मैम भी दौड़ रही हैं, मतलब भाई सब 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 दौड़ रहे हैं। मतलब अनूप सर दौड़ रहे हैं, अनुभावना मैम भी दौड़ रही है, सबसे सामने तो भाई मरिया मैम भागती हुई जा रही है, कसम। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लोग हैं, लेकिन ऑफकोर्स मेरा ट्रैक छोटा है, कम लोग हैं, ऑफकोर्स है ना भाई, छोटा है ना, तो कम लोग भाग रहे हैं, वहाँ पे टारगेट लंबा है तो ज्यादा लोग रहेंगे आपके, है ना। नाउ माय क्वेश्चन टू एवरीवन इज, इस रेस में कौन जीतेगा, हु विल फिनिश दिस रेस फास्टर, व्हाट वुड योर आंसर, स्पैम इट ऑन द चैट। क्वेश्चन नंबर 1, हु विल फिनिश दिस रेस फास्टर, स्पैम कर दो चैट पे, मैं आपको 5 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। 5 4 3 2 1 एंड जवाब आपका होगा जानू सर, है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई फिनिश द रेस फास्टर, थैंक यू सो मच। सो आई विल फिनिश द रेस फास्टर, ओके कूल। नाउ हाउ कुड आई फिनिश द रेस फास्टर, रीजन नंबर 1, क्योंकि सर आपका ट्रैक का लेंथ छोटा है, आपका लेंथ इज लेस, योर लेंथ इज लेस हियर, सो यू आर एबल टू फिनिश इट फास्टर, ओके ऑलराइट। यू नो रीजन नंबर 2, क्योंकि आपके इसमें मतलब क्योंकि आपका लेंथ छोटा है, नंबर ऑफ पीपल इन द रेस वाज आल्सो लेस फॉर यू ना, सो नंबर ऑफ लेस यू नो एटम्स वर लेस, तो आपका जो भागने के लिए जितना एरिया आपके लिए वो ज्यादा है, आपके पास गैप ज्यादा, आप यहाँ से करके निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पे हर्ष प्रियम सर के आप यहाँ टकराएंगे, और हर्ष सर यहाँ भी टकराएंगे, फिर ऐसे फिर निकल के फिर वो यहाँ पे वापस टकरा सकते हैं, फिर भाई दिक्कत होगी उनको, तो उनको ज्यादा वक्त लगेगा। So I can say the collisions in my case were very less, but in case of Harshal collisions were more. तो यानी कि जिस ट्रैक का लेंथ ज्यादा उसमें कोलिजन ज्यादा, तो ऑफकोर्स ये बात है रेजिस्टेंस भी ज्यादा। जिस ट्रैक का लेंथ कम, कोलिजन्स कम, इसका मतलब यह है कि भाई रेजिस्टेंस भी कम। ना 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 ना, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ट्रैक के और हर्षु सर और एके सर के रेस की वजह से हमने कंपेयर कर दिया द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ यानी कि कंडक्टर जिसका लेंथ ज्यादा होता है उसमें ऑफकोर्स ये बात है कि भाई उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा ही होंगे, तो ऑफकोर्स है कि भाई जो नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा ही होंगे, तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें उनका जो नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफकोर्स बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादा एटम से कोलिजन्स बढ़ जाएगा। और जिसका लेंथ कम होता है ऑफकोर्स ये बात उसमें कोलिजन्स कम होंगे। So we can directly say that resistance is directly proportional to the length of the conductor. More the length, है ना? Length is proportional to collisions and collisions proportional to resistance. सारे बच्चे इस चीज को नोट डाउन करते हैं। चलो जल्दी से। Everyone note this down right now. बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई, मजा आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेम एग्जाम्पल लेते हैं। So resistance proportional to length. तो अगर मुझे एक सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो मैं उस सर्किट का वायर का लेंथ बढ़ा सकता हूँ। अगर कम करना है तो मैं उस लेंथ को कम कर सकता हूँ। अगर एग्जाम्पल चाहते हो आप, सिंपल सी बात है, आपने अपना इलेक्ट्रिकल बल्ब देखा होगा, इनकैंडेसेंट बल्ब, वो सीएफएल वाला बल्ब नहीं, उसमें आपने देखा होगा उसके अंदर पता है आपको फिलामेंट होती है टंगस्टन की। तो टंगस्टन का जो फिलामेंट अगर आपने देखा होगा ऐसे स्ट्रेट वायर नहीं होती है, उसको ऐसे कॉइल करके रखा जाता है ना, ऐसे कॉइल्ड होती है वो फिलामेंट, आप देखोगे अंदर में ऐसे कॉइल्ड होती है वो। क्यों कॉइल्ड होती है? क्योंकि भाई अगर मैंने वायर को ऐसे रख दिया तो इतना लेंथ होता है वायर का, लेकिन अगर मैं कॉइल करके रखूं तो मैं उस लेंथ को कितना ज्यादा मैं कॉइल करूं उतना लंबा आपका वायर हो सकता है। बात समझ रहे हो? सो दैट इज व्हाई वी एक्चुअली गो फॉरवर्ड फॉर कॉइल्ड वायर, दैट इज व्हाई वी गो फॉर कॉइल्ड वायर इन द केस ऑफ फिलामेंट। ताकि मैंने लेंथ बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और मेरे को इलेक्ट्रिकल बल्ब में रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। Get the idea, people? Now let's go on to the next point, which is nothing but your second factor, which is here again. अब मान लो सेम रनिंग रेस है, लेकिन सेम रनिंग रेस में हर्षू सर बोले नहीं भाई मेरे को ज्यादा लेंथ नहीं चाहिए, मेरे को ना लेंथ ज्यादा नहीं चाहिए, तो मेरा लेंथ कम करो, लेंथ हम दोनों का बराबर होना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, हम दोनों लेंथ बराबर कर देते हैं, तो चलो ठीक है, हर्षू का और मेरा हमने क्या कर दिया, लेंथ बराबर कर दिया। लेकिन मैं भाई थोड़ा सा, मैं तो फिजिक्स से हूँ ना, हर सर फिजिक्स थोड़ी, हमको थोड़ी पता। बोला ठीक है सर, हम लेंथ ना बराबर कर देंगे, लेकिन मैं ज्यादा एरिया ले लेता हूँ यार, मैं छोटा हूं ना आपसे, मेरे को ज्यादा एरिया दे दो। तो हमने क्या किया, इस बार लेंथ को बराबर रखा है, लेकिन हर्षु सर का एरिया जो है भागने का वो कम है और मेरा ज्यादा है। हाँ, तो भाई साहब सेम सिनेरियो, मान लो भाई यहाँ पे भी चार लोग हैं, और मान लो क्योंकि मेरा एरिया यहाँ पे ज्यादा है थोड़ा सा, तो भाई नंबर ऑफ पीपल ही बढ़ जाएगा, या ना 5 कर देते, चलो 4-5 कर देते हैं, चलो। और मैं देखो बड़े बड़े आइटम से बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब लेंथ सेम है, अब सोचो कि कोलिशन किस सिनेरियो में ज्यादा होगा। समझ रहे हो? क्योंकि मेरे पास एरिया ज्यादा है। स्पैम करो जल्दी स्पैम करो, 5 सेकंड वक्त दे रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1 and the time is up, people. Now जैसा आई एम प्रीटी होपिंग कि भाई आपको समझ में आ गया कि किस सिनेरियो में कोलिशन ज्यादा होगा, है ना भाई। देखो जिस मेरे पास, क्योंकि एरिया ज्यादा है, मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स थोड़े ज्यादा होंगे, बट स्टिल आई हैव गुड अमाउंट ऑफ स्पेस टू ट्रैवल थ्रू। मैंने तो एटम्स को बड़ा भी बनाया, आई हैव गुड अमाउंट ऑफ स्पेस टू ट्रैवल थ्रू दीज एटम्स। बट इन द केस ऑफ अ नैरो ट्रैक डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है, तो कोलिशन माइट बी मोर, कोलिशन इज मोर एक्चुअली। सो व्हाट जस्ट हैपेंड हियर, व्हाट हैपेंड इज व्हेन यू हैव अ लेसर एरिया द कोलिशंस आर मोर, सो योर रेजिस्टेंस इज आल्सो मोर। बट व्हेन यू हैव मोर अमाउंट ऑफ एरिया, कोलिशंस आर लेस, रेजिस्टेंस आर लेस। यानी कि व्हाट डू यू प्रूव फ्रॉम हियर, यू प्रूव दैट द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। Less the area, more resistance. More the area, less resistance. तो हर्ष सर का आज बहुत भगा दिया हमने, बहुत भगा दिया, पर दोबारा आएगा, डोंट वरी, दोबारा आएगा। So we just proved that here, people, कि you know एरिया के बढ़ने से आपका नंबर ऑफ एटम से बढ़ता है, वो बिल्कुल गलत नहीं हो, बिल्कुल सही हो आप, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे पास जगह है टू मूव इट थ्रू, क्योंकि मैंने एरिया बढ़ाया है, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। लेकिन जब लेंथ की वायर की लेंथ एरिया कम होती है तो ये डिफिकल्टी हमारे सामने आ जाती है। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया भाई, हमारे पास यहाँ पे ना 2 इक्वेशन आ गए हमारे सामने, बहुत प्यारे प्यारे नटखट नोटी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्या इन दोनों कंबाइन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स सर, कंबाइन करो। तो दीस आर द 2 फैक्टर्स थ्रू व्हिच यू कैन चेंज द रेजिस्टेंस, बट आर दीस द ओनली 2 फैक्टर्स? नॉट येट। वन ऑफ योर मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आर गोना कम अप नाउ, लेट मी टेल यू। So resistance is proportional to length and inversely proportional to area. तो भाई इस proportionality constant को बाहर निकालना है ना, बिल्कुल निकालते हैं। और इस proportionality constant को बाहर निकाल के हम डालेंगे हमारे proportionality constant का symbol, which is ये हिंदी वाला 1 नहीं। Now what is this called? This is nothing else. मेरे ख्याल से जिस साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया था वो ग्रीक नहीं था, वो इंडियन था, और क्योंकि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद वो भी खुद रोने लगा तो उसने इस सिंबल का नाम डाल दिया रो। तुम भी रो, मैं भी रो, सब कुछ रो, सब लोग रो, रोते रहो, अपना नाम डाल दिया रो, RHO रो, हिंदी वाला रो है भाई, मैं कह रहा हूं ना ग्रीक नहीं है, रो है। नाउ व्हाट इज दिस रो, विल कम टू दैट, बट एनी हाउ दिस बिकम्स पीपल द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, एंड द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस फॉर्मूला you don't know, of course, because you don't know what is the SI unit of row there. So the SI unit of R is actually ohm. क्या है इसका नाम? देखा, मैंने बोला ना इंडियन नहीं किया है भाई, ये सर ओम ओम जय जगत, इंडियंस नहीं किया, ये सब कॉन्स्पिरेसी है ठीक है। ओम OHM O और ये आपका ग्रीक लेटर ओम, ठीक है, ग्रीक लेटर ओमेगा, एक्चुअली वो स्मॉल ओमेगा है वो, बट हम उसको ओम कहते हैं, ठीक है। ऑलराइट पीपल, सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब नोट डाउन कर लिया सबने? सबने नोट डाउन कर लिया ना भाई, कोई डाउट तो नहीं है ना? नोट डाउन नहीं किया तो भाई बहुत मार खाओगे भाई, जल्दी बता रहा हूं। नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब ये रो है क्या? व्हाट इज दिस रो? इस रो का नाम है, मैं चाहता हूं सब लोग इसको नोट डाउन करें क्योंकि भाई इसमें आपको बहुत डाउट होता है और आप लोगों ने शायद स्पैम करना भी स्टार्ट कर दिया होगा। दिस रो इज नथिंग एल्स बट कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। अब ये सर रेजिस्टिविटी है क्या? समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या होती है? So R is equal to rho L upon A। बहुत बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, हर साल का कॉमन डाउट होता है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। CBSE takes the advantage of all of your common doubts। Anyhow, let's go into it। So for this what I'm going to do, I'm going to take our same example here। क्या है रेजिस्टिविटी? यहां देखो, यहां पे मैं हूं जो मजाक उड़ा रहा है हर सर का, उंगली करने की कोशिश कर रहा है, और हर सर वहां पे परेशान है क्या यार जिंदगी में कुछ है ही नहीं, अभिषेक की है बस। Anyhow, you get the idea, right? तो मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल है, क्या हर सर का और मेरा आवाज सेम है? दाढ़ी की लेंथ सेम है? आंखें सेम है? नहीं, बहुत बहुत डिफरेंसेस है। पहले आवाज पे पकड़ लेते हैं, एक फीचर बताते हैं, आवाज। क्या हम दोनों का आवाज सेम है? ऑफ कोर्स नहीं है, मेरा और थोड़ा भारी आवाज है, हर सर का बच्चों जैसा आवाज है आई होप यू गेट द आइडिया, ठीक है। आवाज डिफरेंट हमारा, लेकिन ये हमारे नेचुरल वॉइसेस है, ये हमारे नेचुरल वॉइसेस है। वैसे ही अगर मैं एक कॉपर वायर को लूं, मानो आप एक कॉपर वायर को मैंने लिया ऐसे, ठीक है, इसको मैंने कोई भी सर्किट वर्किट से कनेक्ट नहीं किया, ये हमारा कॉपर वायर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है भाई। इस कॉपर वायर में ऑलरेडी एटम्स है ना, बना तो एटम से ही है, करेक्ट। और क्योंकि कंडक्टर, इसके अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे होंगे इधर उधर उधर, कोलिजन हो रहा होगा। ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन्स जब घूम रहे हैं वो तब भी अंधे हैं, कोलिजन हो रही है, अपने आप को कोलाइड कर रहे हैं, दूसरों को कोलाइड कर रहे हैं, अब यू नो ऑफकोर्स ये बात है, कोलिजन है भाई, जनरली है कोलिजन। तो जब नेचुरली, मैंने कुछ नहीं किया ना, कंडक्टर रखा हुआ है, जब नेचुरली इसके अंदर कोलिजन हो रही है उसको हम क्या बोले? क्योंकि कोलिजन को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं ना, लेकिन रेजिस्टेंस तो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद आता है ना, करंट जब फ्लो होता है तब बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो इसको हम क्या बोले जो नेचुरली है उस कंडक्टर में, जो हमारी नेचुरल वॉइसेस है हमारे बॉडी में, क्या कहते हैं इसको? क्योंकि ये नेचुरली कोलाइड कर रहे हैं, इसको हम नेचुरल रेजिस्टेंस बोलते हैं, नेचुरल रेजिस्टेंस, उर्फ AKA रेजिस्टिविटी। सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? The natural resistance of a material, that's it, or it's also called as specific resistance of a material. Why is it called specific resistance? Now let me tell you why I tell you about mine and Harshar's voice. Harshar का अपना voice है, वो उनके लिए specific है, मेरा voice मेरे लिए specific है। अगर आप लोगों से मेरा voice दे दूं, आप voice में जान लोगे कि ये अभिषेक सर है। हर सर का आवाज दे दो, हर सर, हाँ ये हर सर का आवाज है, ऐसे आप सारे टीचर्स का आवाज पहचानते हैं। वैसे ही क्योंकि वो हर एक इंसान के लिए स्पेसिफिक है, वैसे ही यहाँ पे भी हर एक मटेरियल के लिए आपका नेचुरल रेजिस्टेंस स्पेसिफिक है, क्योंकि हर एक मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी ना सेम होंगे, हर एक मटेरियल में एटम्स का साइज थोड़ी ना सेम होगा। आप पीरियोडिकल एलिमेंट्स पढ़ रहे हो, आपको पता है इस बारे में, करेक्ट। So every material has a different specific resistance, different resistivity, that's why we call it as specific resistance, because they are specific to that material। तो आप उसको नेचुरल रेजिस्टेंस बुलाओ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बुलाओ, रेजिस्टिविटी बुलाओ, सब सेम है, which is equivalent to nothing else but rho। So one factor on which resistivity is dependent upon is the material of the wire or material of the conductor। मटेरियल बदल दोगे, एल्यूमिनियम बदल के कॉपर डाल दोगे तो रेजिस्टिविटी अलग हो जाएगी सिस्टम की। अब दूसरी बात, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द ओवरऑल यू नो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब मान लो यू नो हर सर मोटे होते गए, जो हो रहे हैं ऐसे मोटे होते गए, ठीक है। तो क्या उनकी आवाज बदल जाएगी? नहीं, आवाज तो सेम ही रहेगी। आप किसी के आवाज से पहचान सकते हो कि भाई कितना मोटा है या कितना पतला है? नहीं, करेक्ट नहीं कर सकते, फर्क नहीं पड़ता ना। मान लो हर से ऐसे सिकुड़ के ऐसे बैठ गए तो क्या उनकी आवाज बदल जाएगी? उनका एरिया कम हो गया ना, तो बदल जाएगी? नहीं बदलेगा, सेम रहेगा। तो वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है वायर के, रेजिस्टिविटी नहीं करती है, क्योंकि वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि इंसान कौन है, बताओ उसका एरिया कितना, लेंथ कितना, फर्क नहीं पड़ता मुझे। दैट इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। दो ताली, मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब तीसरी ताली देने वाले हो आप, क्योंकि मैं बताऊंगा तीसरा डिफरेंस, क्योंकि सब्जेक्टिव आ सकता है ना पेपर। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है भाई? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है आपका ओम। तो रेजिस्टिविटी निकालते फिर डिराइव कर सकते हैं ना, बिल्कुल डिराइव कर सकते हो। कैसे डिराइव करोगे देखो ध्यान से, ठीक है, डिराइव कर सकते हो। देखो अभी कैसे डिराइव करोगे आप। करना क्या आपको भाई, लिखा है आपने फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, लिख दिया। आपको रो का निकालना है तो आर ए अपॉन एल। जो बच्चे मुझसे तेज कर पाएंगे भाई, बहुत ज्यादा तेज है जिंदगी में। आर का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का होता है मीटर, मीटर और ये स्क्वायर कट गया, आपका जवाब बच गया ओम मीटर। तो भाई रेजिस्टिविटी का यूनिट हो जाता है ओम मीटर। तीसरा डिफरेंस, दैट्स ऑल पीपल, यू जस्ट नीड टू राइट डाउन थ्री डिफरेंसेस, क्योंकि ये 2 मार्क आ सकता है तो 3 मार्क आ सकता है, दोनों के लिए मैंने आपको बता दी। सॉर्टेड, सो आई होप ऑलवेज एंजॉयड दिस। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड दिस पीडीएफ एज सून एज इट इज अवेलेबल, विद इन 24 hours इट विल बी अपलोडेड। Second thing what you need to do is either you have not on PDF, then watch this video again and then note down the points. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं to the last topic. तो resistance depends upon length, area and resistivity. अब आखिरी चीज, क्या टेम्परेचर रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है? अगर मैं एक कंडक्टर, मैं दो कॉपर वायर लेता हूँ, ठीक है, मैं 2 कॉपर वायर लेता हूँ, एक कॉपर वायर, दूसरा कॉपर वायर। ये कॉपर वायर हमारे रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा कॉपर वायर 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्या इन दोनों में टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया शायद, बट एनी हाउ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मान लो कि मेल्ट नहीं हो रहा है, लेकिन क्या आपका रेजिस्टेंस सेम रहेगा? व्हाट इज योर आंसर? गो एट पीपल ऑन द चैट। सेम रहेगा, बदलेगा तो किसमें ज्यादा होगा, किसमें कम होगा, आप बताओ चैट पे। आपको मैं 10 सेकंड का वक्त देता हूं। एंड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and the time is up people. Let us find it out कि भाई क्या जवाब है इसका। बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल है, एक्सट्रीमली। क्या जवाब है इसका? ध्यान सुनना आप। देखो यार, जब टेम्परेचर बढ़ती है तो होता क्या? वॉट हैपन्स व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर और एनी मटेरियल, ये सिनेरियो होती है। जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो एटम्स अपने अपने मतलब से वाइब्रेट करती है, अपने अपने मतलब से, है ना। एटम्स की वाइब्रेटिंग ना, इलेक्ट्रॉन्स भी ऐसे घूम रहे हैं, हाँ ऑसम है, ऑसम है, इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, बढ़िया बढ़िया। आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो क्या होगा, आप कंडक्टर को हीट की एनर्जी दे रहे हो ना, हीट एनर्जी दे रहे हो, और आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत भूखे होते हैं, भूखे दरिंदे होते हैं इसके लिए, एनर्जी के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स इमीडिएटली एनर्जी गेन कर लेते हैं, हीट एनर्जी गेन करते हैं। लेकिन आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी गेन करते हैं, आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ा हुआ आपने, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाता है, एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट बहुत अनस्टेबल स्टेट होता है, इट्स नॉट अ स्टेबल स्टेट एट ऑल, बहुत अनस्टेबल स्टेट होता है कि नहीं। तो उस अनस्टेबल स्टेट में अभी आपके इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल नहीं है, तो दे हैव टू एमिट आउट ऑल दिस एनर्जी टू कम बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट। तो ये जो हीट एनर्जी उन्होंने अब्सॉर्ब की, इसको एमिट कैसे करेंगे? ये कैलोरीज बर्न करेंगे। कैसे? भागते हुए। तो अचानक से इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो जो ऐसे 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 मूव हो रहे थे वो ऐसे ऐसे मूव होंगे। They will spend out all the kinetic energy and then they will slow down to their normal state. समझ रहे हो? तो क्योंकि आपकी हीट बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ गई अभी, तो ऑफ कोर्स ये बात है भाई, रोड पे अगर आप ज्यादा तेजी से स्पीड से कार चलाओगे या बाइक चलाओगे तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा है ना, कोलिजन हो सकता है आपका। So your number of collisions in this case increases when the temperature increases. So the number of collisions are increasing, resistance increases. So hence temperature is also a factor which affects the resistance. Temperature decrease कर दो आप तो resistance भी कम हो जाएगा. And from there is where you get the concept of something called as superconductors. ये आपके out of syllabus है, but क्योंकि यार ज्ञान तो बांट ही रहा हूँ मैं, तो सुन लो ध्यान से। Superconductor क्या होता है? Superconductor को बनाया ऐसे जाता है। How do they do it? They take a metal and they reduce down its temperature to a very low value, ताकि जो electrons का जो number of collisions है वो बहुत कम हो जाए। बट अभी आपसे सवाल मैं पूछ सकता हूँ कि भाई अगर कोलिजन्स कम हो गया और ज्यादा मूव नहीं हो पा रहे इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कनेक्ट हो रही है? क्योंकि वो भी फ्लो ऑफ चार्जेस ही है ना। सोचना बताना, ठीक है। और लेट्स गो एट पीपल टू द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, ग्रेट फैंटास्टिक। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो जैसा मैंने कहा जल्दी से जाते हैं सिमुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चलो आ जाओ, ये सिमुलेट करते हैं भाई। तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा आपको दिख रहा है सिमुलेशन, ठीक है। R is equal to rho L upon A, रेजिस्टिविटी है, लेंथ है, एरिया है। लेंथ बढ़ाते देखते क्या होता है, ठीक है। लेंथ बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना। देखो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे कम करते जा रहे हैं आपका रेजिस्टेंस भी कम होता जा रहा है, देख रहे हो आप। आप ये देख पा रहे हो कि भाई वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जा रहे हैं ना, देख रहे हो, ग्रेट ना। अब एरिया बढ़ाते हैं, ठीक है, एरिया बढ़ाते हैं। एरिया के बढ़ने से नंबर ऑफ एटम्स जरूर बढ़ रहे हैं लेकिन इतना नहीं है, अभी बहुत गैप है। देखो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में, देखो एरिया कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, देखो दोबारा, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी बदलते हैं। रेजिस्टिविटी यानी क्या, मटेरियल बदल रहे हो, कोई और मटेरियल विद मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तभी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी कम कर रहे हो तो नंबर ऑफ कोलिशंस कम होते जा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बदलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बदलते जा रहे हैं। Correct people, so this was your stimulator. I really hope always enjoyed today's session. If in case you did, people, make sure to hit the like button right now, यार। बहुत मजा आया आप लोगों से बात करते हुए, बहुत ज्यादा मजा आया। Thank you so much. I hope always enjoyed this session. Now we're gonna go forward for the quiz, जिसका जवाब आपको चैट पे देना है, स्पैम का डालना है बोला, तो मिल चलते हैं। Let's go forward and much off I. क्या कहते हो? बहुत सिंपल, okay, great. बट उन अमेजिंग बोर्ड क्वेश्चंस को करने से पहले आई टोल्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन कि मैं इस मोटिवेशन कोट पे वापस आऊंगा, विच वाज दिस, नेवर अलाउ दैट सेम फ्लेम टू बर्न यू ट्वाइस। नेवर अलाउ। भाई मान लो आप लोग करंट हो और टर्म टू रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। मान लो अगर आप करंट हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, और आपका जो टर्म टू है वो आपका रेजिस्टेंस है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके उस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं? आप ही को पता है, मुझे नहीं पता। किसी के लिए लेंथ एक फैक्टर है, किसी के लिए एरिया एक फैक्टर है, कोई भाई रेजिस्टिविटी बदलेगा, है ना। वैसे किसी के लिए डाउट्स एक फैक्टर है, नोट्स एक फैक्टर है, प्रैक्टिस क्वेश्चन एक फैक्टर है, कॉन्सेप्ट नहीं याद आता है फैक्टर है, प्रेशर एक फैक्टर है, डिस्ट्रैक्शन एक फैक्टर है, स्ट्रेस एक फैक्टर है। इतने सारे फैक्टर्स हैं आपके लिए, लेकिन वो फैक्टर्स कौन से हैं वो आपको पता है। तो बस आपको एक चीज करनी है और वो क्या है, आपको फोकस कर, क्योंकि आप रेजिस्टेंस बदल नहीं सकते हो, आप उस रेजिस्टेंस को निकाल नहीं सकते हो। यू कैन नॉट मेक द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर जीरो, नॉट पॉसिबल। वैसे आप इस रेजिस्टेंस को भी पूरा निकाल नहीं सकते हो, टर्म टू होगा तो होगा, नहीं होगा तो मार्क्स कहीं और से आएंगे, बट होगा तो होगा भाई। तो ये रेजिस्टेंस को आप निकाल नहीं सकते, लेकिन इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आप जरूर कम कर सकते हो। जो प्रेशर आप इस एग्जाम के लिए झेल रहे हो उसको जरूर कम कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी शुड बी योर माइंडसेट। टर्म टू होगा, नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, इन सब बारे में भूल जाओ यार। टर्म टू होगा तो उसको हम कैसे इस बड़े स्माइल के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और एग्जामिनेशन के बाहर निकलकर प्राउड फील कर पाएंगे। दैट्स द होल आइडिया, इजंट इट? गलत बोल रहा हूं, बताना जरूर। तो जो भी आपके रेजिस्टेंसेस हो फर्क नहीं पड़ता है, क्यों? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जो भी बच्चा हमारे साथ यूट्यूब पे पढ़ रहा है और जो भी बच्चा हमारे पास वेदांतु प्रो क्लासेस में हमारे साथ है, भाई साहब हमने हर एक फैक्टर को पकड़ कर रखा हुआ है। अब डाउट्स बोलो, सेशन के अंदर दो टीचर्स, मास्टर टीचर, क्लास टीचर, डाउट्स पूरा करने के लिए 100% इज एफिशिएंसी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बोलो, भाई आज का सेशन समझ में आया? इससे मजेदार तरीके से पढ़ाई वहां पे होती है, क्यों? वहां पे क्विजेस भी होता है, लीडर बोर्ड भी होता है, और ऊपर से बहुत सारे एंटरटेनिंग फैक्टर्स भी होते हैं, कॉम्पिटिशन की भावना भी आती है। हाँ, एक डिफरेंस जरूर है कि जैसे रिकॉर्डेड सेशन आप मेंटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे रिकॉर्डेड सेशन में भी, रिप्ले में भी आप खेल सकते हो। जब भी आप लाइव सेशन में रिप्ले देखोगे उसमें आप दोबारा क्विज में खेल सकते हो, और दोबारा आप फास्टेस्ट फिंगर्स लिस्ट में होंगे, दोबारा आप लीडर बोर्ड्स में होंगे। हर एक टीचर यूट्यूब में आपको पढ़ाता है, उनको आप कितना रेट करोगे? यू विल गिव देम द बेस्ट, सेम विद द एवरेज रेटिंग ऑफ teachers in Vedantu is 4.9 out of 5. और क्या चाहिए आपको? पिछले बार सब रिवीजन ठीक से नहीं कर पाए थे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश के पूरे टर्म 2 सिलेबस के अलावा आपको एक एंटायर मंथ का रिवीजन कोर्स भी मिलेगा, रिवाइजिंग एंटायर सिलेबस विद ऑल दी स्ट्रैटेजीज, टिप्स, ट्रिक्स एंड मोटिवेशन। और क्या चाहिए? पिछले बार सर हम टेस्ट, मॉक टेस्ट नहीं दे पाए थे। 5 से ज्यादा मॉक टेस्ट होंगे आपके इस बार ऑल इंडिया लेवल पे, और उन मॉक टेस्ट पेपर्स का डिस्कशन होगा। आपको अलग से टेस्ट सीरीज दिया जाएगा जिसका एनालिसिस होगा, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए नोट्स तो आपको मिलेंगे ही हर एक सेशन के बाद, जिसको आप डाउनलोड कर पाओगे। एवरीथिंग इज अवेलेबल। उसके भी अलावा you have thousands of micro courses absolutely free for you guys by all the teachers of Vedantu, available for you freely. These are all the things. Let me know if I missed out anything out. All these are the factors which creates a resistance. We have removed all of them for you. All of them. You want proof? Here is. Here I'll give you the proof. Here, let's look into it very carefully. This is my profile. All of you guys know this profile, isn't it? मैं आपको बाहर भेजा दिखा चुका हूँ। ये प्रॉपर शेड्यूल आपको मिलेगा भाई, प्रॉपर का प्रॉपर शेड्यूल। इसी में अगर मैंने, आप देखो शेड्यूल नहीं है आपका, लेटेस्ट सेशन सब दिख रहा है। अब अपकमिंग के बदले मैं पास करता हूँ, पास में करूँगा तो क्या होगा? देखो यहाँ पे ये पास क्लासेस के नोट्स, हर एक सेशन के सामने नोट्स, रिप्ले, नोट्स, रिप्ले। यूट्यूब जैसा वेट करते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नोट्स, रिप्ले, नोट्स, रिप्ले सब जगह। गेट नोट्स पे क्लिक करोगे, नोट्स खुल जाएगा। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा आपको नोट्स आपको सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पे ध्यान से, नोट्स खुल गया आपके। देखो, इसको डाउनलोड करो, प्रिंट करो, डाउनलोड करो, प्रिंट करो, जो करना है आप करो, आपकी मर्जी। अब बेस्ट बात क्या है भाई, इस सेशन में जो भी मैंने लिखा हुआ है ना, उसके साथ चीज डाउनलोड हो रही है। देखो आप देख रहे हो, आप जो भी मैंने लिखा हुआ है उन सारे चीजों के साथ डाउनलोड होती है। यानी कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन का मैंने आपको टिप दिया तो वो आपके साथ हमेशा रह जाएगा। डाउनलोड, प्रिंट, जो करना आप करो, ठीक है। उसके बाद रिप्ले ना, देखो रिप्ले यहाँ पे इतने मजेदार तरीके से। देखो सौमित्रा जी यहाँ पे अनम्यूटेड है, रिप्ले चल रही है, मैं सिमुलेट करके दिखा रहा हूँ। It's love, bro. It's literally love. And look at this. This where you guys get confused. See, doubt statistics. जो सिर्फ teachers देख सकते हैं. 199 total doubts answered. 199 total doubts solved. 6 broadcasted messages. यानी कि 6 doubts मुझे बहुत अच्छे लगे थे, उसको मैंने broadcast भी कर लिया। इतना 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 मजा भाई साहब, क्या बोलूँ आपको? All right. And now let's see a leaderboard or let's see a quiz. What is the background? काव्या जी से भी डाउट पूछ रहा था मैं, ठीक है। ये हमारा सिमुलेशन चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, वाह भाई इतना मजा। रेजिस्टेंस सीरीज पढ़ा रहा था मैं, और क्विज टाइम पे आ चुके हैं और ये हमारा क्विज चल रहा है। देखो फास्ट फिंगर्स देख रहे हो, देखो क्विज चल रहा है हमारा। इस क्विज में अगर पार्टिसिपेट करना है तो यहाँ पे देख रहे हो, ट्राई ऑल्टरनेट रिप्ले का ऑप्शन, इस पर क्लिक करो, पार्टिसिपेट करो। ये फास्ट फिंगर्स लिस्ट आ गया भाई साहब, फास्ट फिंगर्स लिस्ट आ गया। अरे वाह, और मैंने सॉल्व कर दिया। उसके बाद आपके लास्ट, और उसके बाद आपको हम स्टार्स भी दे देते हैं। अरे भाई साहब मजा 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 मजा, इतना एंटरटेनमेंट और इतना समझ में आना, इज क्रेजी। ऑलराइट, और उसके बाद फिर एंड में ऑफ कोर्स आपको अपना लीडर बोर्ड मिलता है, जिसका मैं फोटो लेके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ ताकि सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को दिखा सके। गेट द आइडिया पीपल, दैट्स हाउ लवली इट इज, दैट्स हाउ लवली इट इज। तो करना क्या आपको, जल्दी से मुझे एक बार बल्ले बल्ले बोल दो भाई साहब अगर आपको जुड़ना है इसमें, बिकॉज द वेदांतु एजुकेशन फेस्ट इज गोइंग ऑन. So because of which this all entire thing has become more affordable for you guys, because you are getting almost 50% off up to 2,000 rupees. मैं बता दूं आपको डिफरेंस क्या है ना, बता दूं आपको डिफरेंस क्या है, ठीक है। जैसे अगर मैं जैसे मतलब ज्वाइन करना कैसे है, देखो अभी ध्यान से चलो, ठीक है। आपको करना क्या भाई, सबको पता है कि यूट्यूब है, ठीक है, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11 तारीख को, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हमारे चैनल पे जाते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू आवर चैनल, आ जाओ। ओके, चैनल पे आ गए। इसी चैनल पे हमारा जो ओम्स लॉ का वीडियो था उसमें मैं जा रहा हूँ, आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन चल जाओ, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये ओम्स लॉ वीडियो, अरे थैंक यू सो मच पीपल, 28,000 व्यूज हो गए। तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाओ, मैं तो जा रहा हूँ हमारे ओम्स लॉ के वीडियो में। तो यहाँ पे आप सीधा नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा सबसे इंटरेस्टिंग वाला भाई, बहुत ही सिंपल सा लिंक। नीचे जाते सर, कहाँ गया? हाँ ये रहा, देखो सीबीएसई टर्म टू फुल सिलेबस, क्लिक करो इस पे, आपके सामने आ गया ये टर्म टू फुल सिलेबस, जो भी मैंने बोला है सारी चीजें के साथ। देखो आप टर्म टू फुल सिलेबस का ऑप्शन, करेक्ट, स्कूल ट्यूशन, रिवीजन कोर्स, अदर कोर्सेस, टॉपिक स्पेसिफिक शॉर्ट कोर्सेस, सब कुछ मॉक टेस्ट पेपर, सब कुछ कुल मिलाकर अगर मैं अपना कूपन कोड यहाँ से निकाल दूं, ठीक है, तो इस कोर्स का प्राइस आप देख सकते हो, इस कोर्स का प्राइस है 12,000 रुपए। अगर आप वेदांतु एजुकेशन फेस्ट के बाहर इस कोर्स को लेते हो तब मेरा कूपन कोड मैं अप्लाई करता हूँ AK Pro, तो कितने में आगे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिखेगा 10,800 रुपीज, है ना, ये 10% डिस्काउंट हुआ। लेकिन अगर आप कर रहे हो वेदांतु एजुकेशन फेस्ट, यानी कि अब जो चल रहा है आज, अगर आप ये कोर्स ले रहे हो तो इंस्टेड ऑफ 10,800 यू विल गेट अ 2,000 रुपीज डिस्काउंट एंड यू विल बी गेटिंग द कोर्स फॉर 999 और 10,000 rupees. That is it. So get the best out of it, people. 3 महीने में बाकी है, तो 3 महीने डिवाइड बाय 10K is mostly what 3,333 rupees. With all the pieces I told you, don't even think twice. इतने पैसे तो हम पिज्जा खाने में बिता देते हैं एक महीने में, है ना? That's how it is. Now, if in case you have any doubt in your mind, डाउट होना नहीं चाहिए, डाउट है तो 1 महीने का ट्रायल ले लो आप, क्योंकि 1 महीने का ट्रायल आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी गेटिंग इन समवेयर अबाउट 650 रुपीज और समथिंग, 650 रुपीज विद ऑल द फीचर्स ऑफ वेदांतु फॉर एन एंटायर मंथ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। डैम ब्रो, दैट्स अ स्टील। सो गेट इनटू द ट्रायल और गेट इनटू द कंप्लीट कोर्स, वी आर देयर फॉर यू। एंड फॉर ऑल दिस आई डू अंडरस्टैंड, आई आल्सो कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, so if in case you are doubtful about paying and all those stuff, you have one more option. You see, you can pay this 10K whatever on 99K on EMIs. पूरा एक साथ पेमेंट जरूरी नहीं है. I do understand telling it to you openly. ठीक है? So that's how it is, people, and I do definitely want you guys to go forward and strive for it. And come on, yeah, make it a day. Come on, give it a shot. First question, please put down forward in the what to say. चैट स्पैम कर डालो ऑप्शन A, B, C और D जब तक जवाब दे रहे हो। तो बच्चों दोबारा जो टर्म 1 में हुआ है उस आग में दोबारा नहीं जलेंगे। टर्म 2 में हम खुद सूरज बनकर निकलेंगे ताकि हम जले नहीं बट जलाए दुनिया को। The resistance and length of a wire are directly related, inversely related, not related, inversely proportional. I think that's a very easy question. I'm pretty sure you must have spammed it out right now. Come on, people. The answer for this question is, of course, resistance is directly related to length of the wire. Yes, increase the length, increase the resistance. Question number 2. Resistance can be described as the opposition to current flow, resist rate of the voltage, current acceptability of a voltage, opposition to voltage flow. जो भी बच्चे ऐसे नॉर्मल वीडियो भी देख रहे हैं, प्रीमियर में नहीं है बच्चों, स्पैम कर डालो हमारे कमेंट्स में, वीडियो को शेयर करना स्टार्ट करो, सब्सक्राइब करना स्टार्ट करो, और आई एम प्रीटी श्योर दैट वी मस्ट हैव क्रॉस 2000 लाइक्स। हिट द लाइक बटन इन केस यू हैव इट। लेट्स गो। सो ऑपोजिशन टू करंट फ्लो, रेजिस्टेंस रेट ऑफ वोल्टेज, करंट एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ वोल्टेज, ऑपोजिशन टू वोल्टेज। व्हाट इज द आंसर? रेजिस्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द ऑपोजिशन टू द करंट फ्लो। यार ऑप्शन ए, इजी। क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप लोगों इसमें बहुत सारा डाउट होगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बिकम्स हाफ व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर बिकम्स। Let me give you 30 seconds for this. Your time starts now. 30 सेकंड वक्त है, पूरा कोशिश करो आप। आई एम होपिंग कि आपको जवाब मिल जाएगा, बट गिव इट अ शॉट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, गिव इट अ शॉट। क्या लगता है, कर लिया? लेट्स सी व्हाट्स द आंसर, लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, ओके। दे आर नॉर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है? देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। सो नॉर्मल रेजिस्टेंस का आपका फॉर्मूला होता है ρL/A। लेकिन अभी आपने इस वायर को क्या किया, वायर का आपने क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ कर दिया, यानी कि ऑफकोर्स रेजिस्टेंस बदलेगा, तो मैं R' लिख रहा हूँ, लेकिन वायर तो सेम ही है ना, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। यहाँ पे आपने एरिया को हाफ कर दिया, अच्छा, व्हेन इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड टू डबल, और आपने लेंथ को डबल कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस के साथ हुआ क्या, R डैश बिकेम इक्वल टू, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो आपको मिलेगा 4 ρL/A। और ρL/A क्या है भाई, R है ना, तो आपका जो नया रेजिस्टेंस है वो पिछले रेजिस्टेंस से 4 गुना हो गया। 4 times will. That was the answer. I hope all you guys enjoyed today's session, yaar. And this is the homework which you need to spam it up in the chat. Spam in the chat, not chat comments. Comments में spam कर देना है ऐसे आपको. ये थोड़ा सा complicated है, लेकिन ये बहुत common questions in the board examination. मैं आपको hint देता हूँ, आपको formula इस्तेमाल करना है. R is equal to 12 upon A. दूसरा मैं hint देता हूँ आपको कि भाई आपके calculation mistake यहाँ पे ज्यादा होंगे, तो be very very careful and do it bit slowly. ये आपको 2 से 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है. ठीक है, देखते हैं सबसे पहले जवाब कौन देता है जो अगले सेशन में होमवर्क रॉकर बनेगा. और हमारा अगला सेशन है भाई रेजिस्टर्स इन सीरीज, तो सीरीज रेजिस्टेंस को हम 4 डालेंगे भाई साहब. जेई लेवल के सवाल करवाने वाला हूं मैं, आ जाना सेशन में, मिस आउट मत करना. ठीक है, ऑलराइट पीपल, विद दैट दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. I hope always enjoyed this, so hit the like button, share this video, subscribe to the channel right now, and make sure that you're pressing the bell icon immediately. दिख रहा है कि भाई 50% of you guys watching the session have not subscribed yet. काहे पैसे नहीं लगते, प्लीज कर दो. ठीक है, और जो आपका बेल आइकन है उसको दबाओ और ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो. और यूट्यूब का जो ऐप है उसमें भी नोटिफिकेशंस ऑन रखना. वो आप लोग बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर मैं नोटिफिकेशंस आता नहीं, क्योंकि ये दोनों चीज या तो ऑफ होंगे या तो इनमें से कोई एक ऑफ होगा. तो मेक श्योर दैट आप दोनों ऑन कर रहे हो. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे पीपल. आई होप ऑलवेज एंजॉयड. Until we next time, this is Abhishek signing off. Let me know the answer to the homework. Let me know which was your favorite part today, and let me know how much did you enjoy today's session in the comments. Ta-da. Peace.